नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अंचल अंचल में और मैं हूँ आपके साथ शुभांगी ठाकुर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर आपको दिखाते हैं जहाँ दिल्ली में आज मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं की मीटिंग फिर कैंसिल हो गई है। आपको बता दें कि दो बार उस बैठक के स्थगित होने पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने बैठकों के लिए तारीख पर तारीख दी जा रही है लेकिन बैठक नहीं हो पा रही है। दरअसल कांग्रेस में दो तरह के नेता है, एक जनप्रिय नेता है, दूसरे 10 जनपद के प्रिय नेता है। कांग्रेस में जनप्रिय नेताओं की वाट लग रखी है और हिफ्ज उत तहरीर के संदिग्ध आतंकियों के पकड़े जाने के मामले पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एचयूटी का पूरा जो ग्रुप पकड़ा गया था उसके अलग अलग राज्यों और इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आए थे। इस पूरे मामले में अब केस डायरी एनआईए को सौंप दी गई है और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के आजीविका मिशन में गड़बड़ी और अधिकारियों के बचाने के आरोप पर गृह मंत्री ने कहा कि दिग्विजय सिंह की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है, बिना सबूत के आरोप लगाना उनकी आदत बन गई है। एनआईए की टीम मध्य प्रदेश आ गई थी क्योंकि ये एचयूटी के लोग थे जो पूरा ग्रुप पकड़ा गया था। इनके राज्यों में भी अलग अलग कनेक्शन प्रकाश में आए थे और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी इनके प्रकाश में आए थे। इसलिए एनआईए को कल डायरी हैंडओवर कर दी गई है। अब इसकी जांच और आगे की कार्रवाई जो भी विधि सम्मत होगी वो एनआईए करेगी। मध्य प्रदेश आ गई थी क्योंकि ये एचयूटी के लोग थे जो पूरा ग्रुप पकड़ा गया था। इनके राज्यों में भी अलग अलग कनेक्शन प्रकाश में आए थे और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी इनके प्रकाश में आए थे। इसलिए एनआईए को कल डायरी हैंडओवर कर दी गई है। अब इसकी जांच और आगे की कार्रवाई जो भी विधि सम्मत होगी वो एनआईए करेगी। अगली तारीख भी तय नहीं, 24 मई, 26 मई, अब आगे गई तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। दरअसल है क्या कि कांग्रेस में दो तरह के नेता हैं, एक जनप्रिय नेता है कुछ और कुछ 10 जनपद के प्रिय हैं। जनप्रिय नेताओं और अगली खबर रायपुर से आपको दिखाते हैं जहां मितान योजना की सेवाओं का विस्तार। सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात दी है, अब घर बैठे बनवाए जा सकेंगे राशन कार्ड। डायल करना होगा टोल फ्री नंबर 1-4545। नागरिक सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, घर बैठे ही शासकीय योजनाओं का लाभ अब मिल रहा है। तो आपको बता दें कि रायपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर टोल फ्री नंबर जो है वो भी जारी कर दिया गया, घर बैठे ही राशन कार्ड बनाए जा सकते हैं। और आपको एक बार फिर बता दें कि नागरिक सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि कई ऐसी योजनाएं हैं सरकार की जिसका फॉर्म जो है वो अब लोग घर बैठे ही भर सकते हैं। मितान योजना की सेवाओं का विस्तार अब किया गया और आपको एक बार फिर बता दें सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात जो है वो दी है जहाँ पर अब घर बैठे ही राशन कार्ड बनवाए जा सकेंगे, जिसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया 1-4545। ये टोल फ्री नंबर है जिसके आधार पर घर बैठे ही आप राशन कार्ड बनवा सकते हैं। तो बता दें कि शासकीय योजनाओं का लाभ जो है वो अब घर बैठे ही लोगों को मिलने लगा है। इधर पखांजूर में फूड अफसर की मनमर्जी देखने को मिली है। बता दें कि फूड इंस्पेक्टर का दोस्तों के साथ पार्टी करते समय 1.5 लाख रुपए कीमत का मोबाइल परलकोट जलाशय के ओवरपुल में जा गिरा। अफसर ने पहले गांव के लोगों को मोबाइल ढूंढने में लगा दिया और जब नहीं मिला तो अगले दिन पंप लेकर पहुंच गए। 4 दिन तक पंप लगाकर जलाशय का पानी खाली कराया जाता रहा। शिकायत पर सिंचाई अफसर मौके पर पहुंचे और पानी निकलवाना बंद करवाया, लेकिन तब तक स्केलवाय से 6 फीट पानी निकल चुका था। हालांकि गोताखोरों ने मोबाइल ढूंढ लिया। अनुमान है कि बांध के वेस्ट वियर से स्केलवाय के बीच जमा 21 लाख लीटर पानी बहा दिया गया। इतना पानी 1,500 एकड़ की सिंचाई के लिए काफी था। अब कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिया और मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रदेश को पुश्तैनी जागीर समझ बैठे हैं। वही मंत्री अमरजीत भगत ने मामले में कार्रवाई की बात की है। तो आपको बता दें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी
आपको बता दें कि अब तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान जो है वो इस पूरे मामले पर सामने नहीं आया है और फूड इंस्पेक्टर की मनमानी का ये वीडियो है जो वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से उसने जलाशय से पानी को खाली करवाया और बताया जा रहा है कि काफी नुकसान जो है वो इससे हुआ। हालांकि कलेक्टर से जब इस मामले पर बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पर इस पर कार्रवाई करने की बात भी कही। आपको बता दें कि अमरजीत भगत ने भी कहा है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी और पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट किया है। ट्वीट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, उन्होंने ट्वीट कर सवाल किया और निशाना साधा है। अभी मेरे संज्ञान में आप लोगों के माध्यम से आया है, इसके पहले किसी ने भी हमारे संज्ञान में इस बात को नहीं लाया है, ना ही कोई शिकायत प्राप्त हुई है। मैं ज़रूर इसका संज्ञान लूँगा और जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार मैं इस पर आगे कार्रवाई करूँगा। और इसी बीच बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जो संसद भवन विवाद में दाखिल याचिका खारिज, एससी में दायर जनहित याचिका खारिज कर दी गई है। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं जहां संसद भवन में याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है और बता दें एससी में जनहित याचिका दायर की गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर संसद भवन विवाद में दाखिल याचिका खारिज कर दी गई है, एससी में दायर जनहित याचिका खारिज की गई है। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां एक बार फिर आपको बता दें संसद भवन विवाद में जो याचिका थी वो खारिज कर दी गई है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया है। तो संसद भवन का ये पूरा विवाद है जिस पर लगातार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लगातार विवाद जो है देखे जा रहे हैं। जब से नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ तब से विवाद लगातार देखा जा रहा है और याचिका जो है वो दायर की गई थी जिसे एससी ने खारिज कर दिया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, लगातार हम देख रहे हैं संसद भवन को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है और याचिका भी दायर की गई थी और अब खबर सामने आ रही है कि एससी ने दायर याचिका को खारिज कर दिया है, क्या कुछ जानकारी है इस पर? देखिए बिल्कुल, नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर लगातार जो विवाद है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था। आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और इस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो है याचिका को खारिज जो है कर दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा कि इस मामले पर कोई टिप्पणी जो है नहीं बनती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और जो याचिका में कहा गया था कि अनुच्छेद जो है 79 जो है कहीं ना कहीं उसका पालन होना चाहिए, प्रथम नागरिक जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आते हैं राष्ट्रपति, तो उसको लेकर भी कहा गया है कि अनुच्छेद जो 79 है वो एक व्यवस्था की व्याख्या जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है। तो ऐसे में फिलहाल इस मामले को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन अभी भी हम बात करते हैं तो विपक्षी दल जो है लगातार एक साथ एकजुट लामबंद कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। करीब 19 के आसपास जो विपक्षी दल हैं वो अभी भी ये कह रहे हैं कि वो जो है इस पूरे कार्यक्रम का, नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध जो है करते हुए नजर आएंगे, बॉयकॉट जो है करते हुए नजर आएंगे और सीधे तौर पर जो संसद भवन का जो उद्घाटन कार्यक्रम है वो राष्ट्रपति से जो है करवाना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने साफ तौर पर बहिष्कार कर दिया है और अभी हम देख रहे हैं ये खबर, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर याचिका भी जो है वो खारिज कर दी गई। क्या लगता है ये मामला आगे क्या रुख अपना सकता है? देखिए अभी इस पूरे मामले को लेकर हम बात करते हैं तो आपने अपने स्टैंड जो है दोनों ही बात करें, सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जहां सत्ता पक्ष एक और कहता है कि जो विपक्ष है उसको कहीं ना कहीं खुले दिल से इसका स्वागत जो है कहीं ना कहीं करना चाहिए क्योंकि एक नई परंपरा जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। पुरानी जो संसद थी 90 साल से ज्यादा का इतिहास जो उसमें देखने को मिलता हुआ नजर आता था, लेकिन अब जो नया इतिहास राजनीति का लिखा जाएगा वो नई संसद जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में विपक्ष को भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल होना चाहिए। जी स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और सभी भोपाल से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं जहां भाजपा ओबीसी मोर्चा की बैठक में पहुंचे पी यादव, यादव समाज के कार्यक्रम में ना बुलाए जाने का मामला उठा सकते हैं। केपी नाराजगी के सवाल पर मुस्कुराए यादव, यादव ने कहा कि ये पार्टी की बैठक है, वह व्यक्तिगत बैठक थी। प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी से शिकायतों के सवाल पर यादव ने चुप्पी साध ली। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, नाराजगी के सवाल पर मुस्कुराते हुए नजर आए और यादव ने कहा कि वो पार्टी की बैठक थी और व्यक्तिगत बैठक है, दोनों में बहुत ही ज्यादा अंतर है। और आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी से शिकायतों के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली। मैं
जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे की बैठक जो है भाजपा कार्यालय में चल रही है और यहाँ पर हम देख सकते हैं केपी यादव मौजूद हैं। और थोड़े ही दिन पहले केपी यादव जो हैं उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया था कि गुना में एक कार्यक्रम हुआ यादव समाज का ओबीसी वर्ग का और उस कार्यक्रम में उनको नहीं बुलाया गया। और उसके बाद में हम देख रहे हैं कि वो इस समय इस कार्यक्रम में मौजूद है जिसमें अगर हम देखें तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और इसके अलावा अगर हम देखें भाजपा के तमाम पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। ऐसे में केपी यादव जो है यहाँ पर मौजूद है और उनसे सवाल यही होगा कि चूंकि ये बैठक सर ओबीसी मोर्चा की बैठक है ये चुनावी तैयारियों को लेकर बिल्कुल थोड़े ही दिन पहले चूंकि यादव समाज भी ओबीसी समाज में ही आता है और आपने कहा था कि उस बैठक में आपको नहीं बुलाया गया चूंकि वो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम ये भारतीय जनता पार्टी की बैठक है और हम लोग बैठे हैं यादव दोनों बहन भाई साथ में दिख रहे हैं आपको। इसके पहले आपकी ये शिकायत थी जब गुना में इस तरह का कार्यक्रम वहाँ पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं था वहाँ कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम था तो व्यक्तिगत कार्यक्रम तो चलते रहते हैं पूरे प्रदेश में लोगों के उसको लेके उस समय की नाराजगी अब धुल गई है। भाई मैं अपने प्रदेश कार्यालय आया हूँ यहाँ हमारी पार्टी की बैठक है उसमें भी बीजेपी के नेता और मंत्री मौजूद थे ना सर वो व्यक्तिगत कोई कार्यक्रम रहा होगा पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं था ये पार्टी कार्यालय में पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है। फिलहाल जवाब देने के मूड में है नहीं केपी यादव जी मुस्कुरा भी रहे हैं लेकिन अगर बात करें तो ये ओबीसी मोर्चे का कार्यक्रम है उनका कहना वो यादव समाज का कार्यक्रम था यही अंतर है लेकिन उस समय वो नाराज थे फिलहाल नाराज नजर नहीं आ रहे हैं। कैमरामैन हरी के साथ अनुराग मालवीय 24/7 भोपाल। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं जहां भाजपा कार्यालय पहुंचे सीएम शिवराज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से चल रही है चर्चा तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और आपको एक बार फिर बता दें कि भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से उनकी चर्चा चल रही है। हालांकि किस मुद्दे को लेकर चर्चा चल रही है ये अब तक सामने नहीं आया। फिलहाल आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा कार्यालय पहुंचे और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से उनकी चर्चाएं चल रही है क्योंकि जाहिर सी बात है कि आगामी विधानसभा चुनाव जो है वो बेहद ही नजदीक है। हो सकता है कि इसे लेकर किसी प्रकार की रणनीति बनाई जा रही हो इसको लेकर के चर्चा की जा रही हो लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे हैं प्रदेश में जो गूंज रहे हैं जिसको लेकर के विपक्ष भी भाजपा सरकार पर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि उन मुद्दों को लेकर भी मीटिंग आयोजित की गई हो लेकिन फिलहाल जो है ये पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुआ है कि आखिरकार किस विषय को लेकर के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच चर्चा चल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग इस वक्त इतनी खबर सामने आई है कि भाजपा कार्यालय पहुंचे हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दोनों के बीच चर्चा चल रही है क्या कुछ जानकारी इसमें सामने आई है किस विषय को लेकर उनके बीच चर्चा हो रही है। देखिए अगर बात करें तो लगातार सियासी चर्चाओं का दौर जारी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं और उसी दरमियान जो है हम बताएं आपको कि ये एक और बड़ा अपडेट आया है कि जब मुख्यमंत्री जो हैं वो चर्चा कर रहे हैं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से क्योंकि नरोत्तम मिश्रा भी अभी ये भाजपा कार्यालय में ही मौजूद है और यही कारण है कि ये चर्चा जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि थोड़ी देर पहले नरोत्तम मिश्रा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से भी मिलने पहुंचे थे। लगातार सियासी चर्चाओं और मेल मुलाकातों का दौर जारी है क्योंकि बड़े घटनाक्रम है केंद्रीय नेतृत्व का एक निर्देश है कि सबको समन्वय से चलना है और यही कारण है कि तमाम नेता आपस में कोशिश कर रहे हैं मेल मुलाकात कर रहे हैं और उसके चलते जो है इस बैठक को देखा जा सकता है लेकिन जब बाहर आएंगे तब और स्पष्ट होगी। फिलहाल मुलाकात जारी है। जी बिल्कुल अनुराग लेकिन लगातार हम देख रहे हैं भाजपा की अगर बात करें तो बैठकों का दौर जो है वो जारी है। कल भी खबर सामने आई थी जहां रात को 11 बजे तक हाई लेवल की मीटिंग आयोजित की गई थी रूठों को मनाने में बीजेपी जुटी हुई ऐसा कहा जा रहा था और इस वक्त फिर खबर सामने आ रही है जहां मुख्यमंत्री जो है वो गृह मंत्री से चर्चा कर रहे हैं। कैसे बोल सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरीके से जुट गई है। बिल्कुल इसको हम कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा क्षेत्र तैयारी में जो है भारतीय जनता पार्टी जुट गई है और शायद यही कारण है कि इतनी लंबी बैठकें अलग अलग नेताओं की आपस में चल रही है लेकिन इसके साथ और बड़े सियासी घटनाक्रम है कुछ बड़े बदलाव की जो संभावना है और इन तमाम मुद्दों पे आपस में बड़े नेता चर्चा कर रहे हैं। जी जी अनुराग बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आगे भी अपडेट आपसे लेंगे इस पूरे मामले पर। राजनांदगांव जिले के ग्राम भरका टोला स्थित दासटोन प्रेशर प्लांट में एक युवक की गिरकर मौत हो गई है। वही अब उसके परिजन मुआवजे के लिए दूर दूर भटक रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवक की कमाई से ही परिवार की आजीविका चलती थी। जवान बेटे को खोने के बाद बूढ़े माँ बाप पत्नी और दो बच्चे बेसहारा हो गए हैं। युवक के वृद्ध पिता क्रेशर प्लांट और शासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
काम कर रहा था दूसरे अंदाज के फार्म में, उसको अचानक मतलब गाड़ी से आयल चेक कर रहे थे, ये उधर में गिर गया, उसको देहांत हो गया। तो मैं सरकार से यही निवेदन है कि उसके छोटे छोटे दो जने बाल बच्चा है, बीवी है, हम लोग वृद्धावस्था में उसके माता पिता हैं, हम भी लाचार हैं, तो हमको आर्थिक सहायता सरकार से मिलना चाहिए जो भी बन सके।